हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा वेलकम है आपको फिर से इस चैनल पे। और आज की ये वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो है वो ट्रेलर दिखाया जाएगा WWE 2K19 माई करियर मोड का। दोस्तों इससे पहले ऑफिशियल गेम प्ले आया था फिनोमिनल का, वो चैनल पे अपलोड किया। और दोस्तों आज जो है WWE की तरफ से 2K वालों ने रिलीज़ कर दिया है माई करियर मोड का गेम प्ले। दोस्तों कमाल किस्म का गेम प्ले आ चुका है इस टाइम। सबसे पहले दोस्तों बात यहाँ पे कर ली जाए कि आप लोग मुझे बताएं कि प्लेयर का नाम आमिर अली रख के चला जाए आगे, या आप लोग चाहते हैं कि प्लेयर का नाम चेंज कर दिया जाए। मुझे लुक के हवाले से बता दो कि 2K19 में किस तरह की लुक हो, प्लेयर का नाम कैसा हो, प्लेयर कस्टमाइजेशन कैसी होनी चाहिए, जैसा कहोगे उस तरीके से प्लेयर को तैयार करके रिंग में उतारा जाएगा और दोस्तों उसी के साथ अपना करियर मोड शुरू करेंगे। तो दोस्तों टाइम बहुत ही कम रह गया है, कुछ टाइम के अंदर आने लगी है मेरे पास WWE 2K19 प्री ऑर्डर मैंने की थी और मिलने लगी है मुझे जल्द ही ये गेम। तो दोस्तों जल्दी से जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या नेम होना चाहिए प्लेयर का, क्या आमिर अली कोई रख के 2K19 शुरू की जाए या नाम चेंज कर दिया जाए, प्लेयर चेंज कर दिया जाए। तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि मैं उस तरीके से ही जो है इस करियर मोड को शुरू करूं। बात कर ली जाए यहाँ पे करियर मोड की, तो दोस्तों गेम को तो है बिल्कुल बदल के रख दिया इस मरतबा 2K वालों ने। सबसे बढ़िया चीज़ कि अब आप लोगों को सिर्फ डायलॉग्स देखने को नहीं मिलेंगे, बकायदा वॉइस ओवर है, हर एक प्लेयर अपने वॉइस ओवर दे रहा है, अपना जो कैरेक्टर होगा उसका भी एक वॉइस ओवर होगा। सो दोस्तों ये बड़ा ही ज़बरदस्त स्टेप उठाया 2K वालों ने, कमाल किस्म के ग्राफिक्स हैं, एनिमेशन बिल्कुल बदल के रख दी है, सब पुराना सिस्टम ख़त्म हो गया है, कोई ट्रेनिंग सेशन में नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना। BCW दोस्तों इंडीज से हमारा स्टार्ट होता है और फिर वहाँ से जाएगा प्लेयर हमारा NXT में, स्मैकडाउन में, रॉ में, और फाइनल बन जाता है WWE यूनिवर्सल चैम्पियन। सो दोस्तों ये तो बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की इस मरतबा स्टार्टिंग दिखाई है, HHH से बदला, अथॉरिटी से बदला, बहुत कुछ है इस गेम के अंदर। सो दोस्तों बगैर कोई भी वक्त जाए कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ माई करियर मोड का ऑफिशियल गेम प्ले, जो कि कुछ टाइम पहले ही रिलीज़ कर दिया है अपने चैनल के ऊपर 2K वालों ने। सो दोस्तों देखते हैं वो गेम प्ले और फिर आगे बात करेंगे मज़ीद। चैनल पे नए हो तो यार चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो वीडियो रोक के, और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाले 2K19 के सारे अमेजिंग एपिसोड्स आप लोगों को मिल सकें। शुरू करते हैं इस ट्रेलर को। बिग थिंग्स आर हैपनिंग फॉर अस इन BCW, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, दिस इज गोना बी वेरी गुड फॉर अस एंड BCW। Say listen to your audience? Well, the audience is saying that I'm good enough to go straight to the main roster. Whatever I say goes. No questions asked. You've tried to stop me at every turn, from the Indies to NXT to SmackDown, and now here on Raw. No autographs. I'm not a fan. I'm actually your opponent tonight. You mean victim? You're simply a parasite, feeding off of everyone you encounter and giving nothing in return. Oh, yes. Welcome to the multiverse. I'm simply doing what comes naturally. Swooping down and consuming the flesh that you left exposed. I'll overcome whatever you put in front of me to become the Universal Champion. So, दोस्तों देखा आपने ट्रेलर और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसा लगा है। आपकी अपनी मर्जी से स्टोरी बनेगी, अपना करियर होगा, जहां जाना चाहते हो जाओ, स्मैकडाउन में जाके एक नई स्टोरी मिलेगी हम लोगों को, वर्ल्ड चैंपियन बनेगा, रॉ में आएंगे तो एक नई स्टोरी मिलेगी, HHH के साथ डायरेक्ट बदला लेंगे इस मरतबा हम लोग। 2K18 में जैसा आपने देखा कि अथॉरिटी को ज्वाइन कर लिया था आमिर अली ने और उसे काफ़ी बेनिफिट्स हुए इस चीज़ से। मज़ीद आगे जा रहे हैं, स्टोरीज अभी अपलोड करूंगा, गेम को देखना उसमें ही बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन यहाँ पे जो है वो साफ साफ दिखाया गया है कि HHH से बदला लिया जाएगा, अथॉरिटी के अगेंस्ट जाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा दोस्तों। सो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्द ही आने वाली है 2K19
और फिर खेलेंगे उसको। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो यार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना दोस्तों कि क्या प्लेयर का नाम होना चाहिए, क्या कस्टमाइजेशन होनी चाहिए, ताकि उस हिसाब से आपका प्लेयर तैयार होकर रिंग में उतरे और मुकाबला करे सबके साथ। तो मैं मिलूँगा दोस्तों आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए चीज़ मिलते हैं।